नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। हिंदी फिल्मों में अपने कदम बनाए रखना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। वैसे तो हिंदी फिल्मों में कई कलाकारों ने बिना किसी गॉडफादर के अच्छी पहचान बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो कि फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी फिल्मों में फ्लॉप रहे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी फिल्मों की कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और उनकी बेटियां फिल्मों में फ्लॉप रही। तो इस क्रम में हमारे पहले नंबर पर हैं ईशा देओल। ऐसा बेटी अकेली अकेली क्या कर रही है? म्यूजिक। म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक सुनना अच्छा होता है। ईशा देओल का जन्म बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध घराने में हुआ। इनके पिता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड पर कई दशकों तक राज किया और वहीं इनकी मां हेमा मालिनी ने भी अपनी लाजवाब एक्टिंग से दुनिया के करोड़ों दिलों को जीता है। लेकिन ईशा देओल का फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी ईशा देओल फिल्मों में फ्लॉप रही। ईशा देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में रिलीज फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से की थी, जिस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता आफताब शिवदासिनी थे। उसके बाद इन्होंने कई फिल्में की जिनमें धूम, नो एंट्री, काल, 1-2-3 और येलोसी कारगिल जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं तो कुछ फिल्में हिट भी रहीं, लेकिन फिर भी ईशा ने अपने डगमगाते फिल्मी करियर को नहीं संभाल पाया और फ्लॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं। ईशा देओल अब अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं। ये अपने परिवार और दो बच्चों के साथ अपने परिवार में खुश हैं। इस क्रम में दूसरे नंबर पर हैं प्रतिभा सिन्हा। अभिनेत्री प्रतिभा सिन्हा का जन्म बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री माला सिन्हा के घर हुआ। माला सिन्हा ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और ढेर सारी सुपरहिट फिल्में दी। वहीं उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल पाया। प्रतिभा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1992 में आई फिल्म महबूब मेरे महबूब से की थी। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया जिनमें कल की आवाज़, दिल है बेताब, एक था राजा और तू चोर मैं सिपाही जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन प्रतिभा को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी से इन्हें एक अच्छी पहचान मिल गई और आज के समय में लोग प्रतिभा सिन्हा को उनके नाम से कम बाउस गाने से ज्यादा याद करते हैं। इस क्रम में तीसरे नंबर पर हैं अभिनेत्री सोहा अली खान। जिंदगी सिर्फ रेनबो के साथ रंग नहीं निखिल, उसमें हजारों रंग होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और मैं उसका हर रंग देखना चाहती हूँ। सोहा अली खान हिंदी फिल्मी की जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं। सोहा अली खान के भाई सैफ अली खान हिंदी फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता हैं। लेकिन इतने बड़े फिल्मी बैकग्राउंड के बावजूद भी सोहा अली खान का करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया। सोहा ने अपनी पहली हिंदी फिल्म दिल मांगे मोर 2004 में की थी। उसके बाद इन्होंने एक बंगाली फिल्म अंतर महल और बाद में हिंदी फिल्म रंग दे बसंती में काम किया। लेकिन सोहा अली खान अपनी माँ और भाई की तरह चमक नहीं पाई और बाद में इन्होंने अभिनेता कुणाल खेमू से शादी कर ली और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं। इस क्रम में चौथे नंबर पर हैं तनिषा मुखर्जी। तनिषा मुखर्जी जानी मानी अभिनेत्री तनुजा की बेटी और काजोल की बहन हैं। इतना बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड होने के बाद भी इन्होंने वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी वो हकदार थीं। इनकी मां तनुजा बाई इनकी बहन काजोल ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन तनिषा मुखर्जी का करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया और इन्होंने वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जो कि इनकी मां तनुजा को नसीब हुई। इन्होंने टैंगो चार्ली और सरकार जैसी फिल्में की। इसके साथ साथ तनिषा ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन इन्होंने अपनी माँ और बहन जैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई और एक फ्लॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं। इस क्रम में पांचवें नंबर पर हैं रिंकी खन्ना। रिंकी खन्ना अभिनेता राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं। इनकी मां ने कई सारी सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड जगत को प्रदान की, लेकिन रिंकी खन्ना को वो सफलता हाथ नहीं लग पाई।
रिंकी खन्ना ने बॉलीवुड में प्यार में कभी कभी और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्में की, लेकिन धीरे धीरे रिंकी खन्ना ने अपने डूबते फिल्मी करियर को संभाल नहीं पाया और एक फ्लॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं। रिंकी को उनके नाम से कम व उनके माँ बाप से ज़्यादा पहचान मिलती है। हालांकि अब रिंकी अपने पति समीर सारन के साथ पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की कुछ फ्लॉप अभिनेत्रियाँ जिनकी माँ ने तो बॉलीवुड जगत को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में प्रदान की और अच्छा खासा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनकी बेटियों ने बॉलीवुड जगत में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और आज वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस के नाम से ही पहचानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।